अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करने जा रही हूँ सीज़न के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मीठा और बहुत ही क्विक, सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसका नाम है मैंगो डिलाइट, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग, लाइट, नो कुकिंग नो बेकिंग वाला मीठा है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 लार्ज साइज़ के मैंगो लीजिए, कोशिश करें वो अच्छे मीठे हों, और उसकी आपने तैयार कर लेनी है मैंगो प्यूरी। और 3 टेबल स्पून आप सेपरेट कर लीजिएगा, इसको हम बाद में एज ए डेकोरेशन यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम, और इसमें शामिल की है 1/2 कप के जितनी पाउडर्ड शुगर। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या डिपेंड करता है कि आम कितने मीठे हैं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको इतना बीट कर लें कि ये थोड़ी थिक हो जाए। स्टिफ़ पीक्स आपने अभी इसलिए नहीं बनाने क्योंकि हम इसमें मैंगो प्यूरी अब ऐड करके भी इसको मिक्स करेंगे, तो ये फिर बिल्कुल सेट हो जाएगी क्रीम। लेकिन अगर आप पूरा इसको पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे तो क्रीम जो है वो फट सकती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने प्यूरी ऐड की है, और हैंड विस्क से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बाकी की भी प्यूरी ऐड करें और इसको मिक्स कर लीजिए। ये डिज़र्ट इतना मज़े का बनता है कि बस मैं आपको यही कहूँगी कि मैंगो का सीज़न है, इसको मिस मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब कोई भी डिश ले लीजिए जिसमें आपने इसको इसकी लेयरिंग करनी है, और 10 आपको चाहिए होंगे मैरी बिस्किट, कुछ आपको गार्निश करने के लिए। 5 बिस्किट मैंने तोड़ के उसकी ये पहली लेयर लगा दी, और अब ये सेकेंड लेयर यहाँ पर जा रही है जो मैंगो का मिक्सचर है उसकी। फिर थर्ड लेयर दोबारा से यहाँ पे 5 मैरी बिस्किट पीसेज में मैंने तोड़े हैं और इसकी लेयर। और बिस्किट्स को आपने सोक बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्ट ही ये बाद में खुद ही बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे कुछ मैंगो के क्यूब्स मैंने काटे हुए हैं, इसकी एक लेयर जाएगी। और यहीं पर ही आप चाहें तो कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी का भी पूरा मैंगो मिक्सचर ऊपर आप इस तरह से डाल दें और थोड़ा सा टैप कर लें ताकि वह सेट हो जाए। अब आप इसको किसी स्पून से जो है वो इवन आउट कर लें और जैसे दिल चाहे गार्निश कर लें। मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, प्यूरी में 1 टेबल स्पून क्रीम मिला के और उसको थोड़ा पतला करके इस तरह से ड्रिजल किया है, और फिर टूथपिक से ये सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया है। अब आपने इसको एटलीस्ट 3-4 घंटा फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छा सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छा ठंडा और सेट हो गया। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन एक टिप ये है कि जब आप इसको सर्व कीजिएगा तो 1 घंटा आप इसको फ्रीज़र में रखें, फिर सर्व करें। फिर आप इसका रिज़ल्ट, इसका टेक्सचर देखिएगा, और मुझे आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। और इसकी पिक्चर्स आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम है हुमैंदा किचन। ये थी आज की रेसिपी। अब आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको सेंड कर दें ताकि सभी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।